आज की कहानी है नेकी का फल बहुत समय पहले की बात है एक लकड़हारा एक जंगल से गुजर रहा था चलते चलते उसकी नज़र एक पेड़ के नीचे रखे एक पिंजरे पर गई उस पिंजरे में एक चील थी निकलने के लिए आवाजें कर रही थी वो चील पिंजरे में फड़फड़ा रही थी को उस चील पर बहुत दया आई उसने जाकर उस पिंजरे को खोल दिया जिससे चील आजाद होकर दूर में उड़ गई कुछ दिन बाद वही लकड़हारा जंगल में आता है एक पेड़ की लकड़ी काटने लगता है जब वह लकड़ी काटते काटते थक गया तो एक चट्टान के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है वहाँ बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही थी इसलिए लकड़हारा कुछ देर करें वहाँ लेट जाता है लेटते ही उसे आंख लग जाती है थकान की वजह से उसे नींद आ जाती है तभी वहाँ एक चील आ जाती है वो चील लकड़हारे के सिर पर पंजा मारकर उड़ जाती है लकड़हारे की गहरी नींद टूट जाती है वो ग़ुस्से में उठता है और चील को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है तभी लकड़हारे को कुछ आवाज़ सुनाई देती है वह पीछे मुड़कर देखता है तो वह देखता है कि ऊपर से चट्टान के बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर रहे हैं जहाँ लकड़हारा लेटा था उसी जगह पर बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं लकड़हारा अपनी जान बची देखकर खुश हो जाता है ये वही चील थी जिससे लकड़हारे ने एक दिन पिंजरे से छुड़ाया था इस तरह चील ने लकड़हारे की जान बचाकर उसका शुक्रिया किया इसीलिए कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल नेकी कभी न कभी घूम फिरकर हमें वापस मिलती है धन्यवाद थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज़ सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करें थैंक यू